ये हमारा लेजिमेंट राइट है, कोई दया भीख मांग नहीं रहे हम। हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन है, उसमें से ही गवर्नमेंट को हमको देना है, और ये हमारा राइट है, हम लेके ही रहेंगे, कैसे भी करके लेके रहेंगे। और ये 75 ईयर्स के लोग आए रोड पर, तो उसका नतीजा भी खराब हो सकता है। रोड पर तो आए ना अभी, अभी तो रोड पर तो आए ना, रोड पर आए अभी, क्या आपको नहीं बता सकते अभी इसके आगे हमारा स्टेप क्या होगा। ये प्राइवेट करना है उसको, BSNL को खत्म कर देगा, BSNL को खत्म कर देगा, इन सभी को खत्म मिटा देगा, बढ़ावा देना है अडानी अंबानी के लिए, BSNL को खत्म। हां जी, वो का बढ़ावा देना है, क्या है उसका, दोनों बड़े भाई है सरकार का। BSNL कर्मचारियों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। चंद्रयान जो है लॉन्च हो गया, पूरे देश में खुशी का माहौल है, BSNL की कनेक्टिविटी रही, बधाई दी जा रही है BSNL को, और आप लोग जो हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने का रीज़न यही है कि जो हमारी मांग है थर्ड PRC की, वो पूरी नहीं हुई है, बाकी हमें सरकार से कोई और दिक्कत नहीं है। ये जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। कौन सा हक, क्या चाहिए आपको सरकार? ये जब हम BSNL में डाइवर्ट हुए थे, हमारा DOT, हम सब DOT वर्कर थे, जब 2000 में BSNL हुआ तब हम BSNL के कर्मचारी हो गए, मगर हमारा पेंशन हमारा DOT से होता है, तो अब जबकि हम थर्ड PRC सबको मिल गया, हमको नहीं मिला है। 2017 को हमको मिलना चाहिए था, मगर 5-7 साल हो गए हमको मिला नहीं है, वही हमारी मांगे और कुछ नहीं है। क्या ये हमारा लेजिमेंट राइट है, कोई दया भीख मांग नहीं रहे हम। हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन है, उसमें से ही गवर्नमेंट को हमको देना है, और ये हमारा राइट है, हम लेके ही रहेंगे, कैसे भी करके लेके रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं देती है, तो सरकार का सवाल है, ये वही जाने, मगर हमारा जो, हम तो इतना बोलते हैं कि हमारा लेजिमेंट राइट है, और ये 75 ईयर्स के लोग आए रोड पर, तो उसका नतीजा भी खराब हो सकता है। कहाँ से क्या मतलब, एक तरीके से आप धमकी दे रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं, इसमें धमकी देने में कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई किसी की कोई इसमें धमकी देने से कोई डरने की बात ही नहीं है। नहीं देगा, नतीजा क्या खराब हो सकता है, कैसे? देखो, हम रोड पर तो आए ना अभी, अभी तो रोड पर तो आए ना, रोड पर आए अभी, क्या आपको नहीं बता सकते अभी इसके आगे हमारा स्टेप क्या होगा। कुछ प्लान करके रखा हुआ? प्लान हो जाएगा, कुदरती हो जाएगा। अन्याय होता है तो न्याय के लिए कोई भी आदमी लड़ता है, एक कुत्ते को भी आप अन्याय करोगे ना तो काटने को आएगा। और ये तो कम से कम 5 लाख पेंशनर है हमारे, तो उनको डरना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा राइट है, और हम कुछ बता नहीं सकते हमारा आगे का प्लान क्या है, ये होगा बाद में। हमारे असर हो रहा है आपके प्रदर्शन का? असर तो होगा, असर तो हो ही गई है, हो ही गई है, टेबल पर तो आ ही गई है नेगोशिएशन के लिए। अभी अभी बात इतनी है कि 0% देना है, 5% देना है, 10% देना है, 15% देना है, हमारी डिमांड 15% की है, तो वो 15% के लिए मान रहे हैं। 15% फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है कि मैक्सिमम 50% देना चाहिए, और जो हमारा पेंशन कंट्रीब्यूशन है उसमें भी 15% का प्रोविज़न है, मगर गवर्नमेंट और बात बोलती है कि 0% देवे, 5% देवे, 10%, तो हम तो इसके ऊपर 15% पर अड़े ही हुए हैं। तो सरकार जो है ये कहती है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं काम नहीं करते हैं, सरकार इसलिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, और आज जो है जियो और एयरटेल जो है कितना मतलब बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी है, BSNL जो है ख़त्म होता हुआ जा रहा है। रॉन्ग है, BSNL सभी जगह पे है, वो ही करता है। अभी चंद्रयान पे गए बराबर है, जियो आया साथ में काम करने के, नहीं आया ना, और कोई आया? BSNL ही आया ना उसके साथ। चले जाओ, BSNL मिलेगा स्टेशन पर, ये कोई दूसरा प्राइवेट नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ। इस्तेमाल नहीं करता BSNL के सिग्नल। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, BSNL आजकल घाटे में नहीं चलता है, अभी आजकल प्लस में आया है, प्रॉफिट में जा रहा है। प्रॉफिट ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स।
प्रॉफिट में कैसे? कोई मेट्रो सिटी में, मेट्रो सिटी में सब जाते हैं, एयरटेल जियो कुछ भी चलेगा, मगर आप गांव में जाओ सिर्फ BSNL मिलेगा, क्योंकि वहां उनको एक्सपेंस करना पड़ता है, उसका नेटवर्क ही नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, BSNL वो सरकार नहीं देगी जानबूझकर, क्योंकि सरकार को क्या दुश्मन है, वो दो तीन आदमी उसका प्राइवेट वाले को देना है, ये सरकार की गवर्नमेंट की सरकार की पॉलिसी है। नेटवर्क है सभी के पास, नेटवर्क BSNL का, BSNL का नेटवर्क है, हमको किराया देता है वो जियो वाला, तो फिर कमीशन मिलता है उसको, कमीशन मिलता है, ये सरकार की पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है थोड़ा समझाइए कि क्या पॉलिसी? ये प्राइवेट करना है उसको, BSNL खत्म कर देगा, BSNL खत्म कर देगा, इन सभी को खत्म कर देगा, बढ़ावा देना है अडानी अंबानी के लिए, BSNL को खत्म, हां जियो का बढ़ावा देना है, क्या है उसका दोनों बड़े भाई है सरकार का, इसलिए उसको आगे बढ़ाया। सरकार को इसमें क्या फायदा होगा, सरकारी चीजों को खत्म, तो हमको जब निकाल देंगे तो उसको तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, पेंशन नहीं देना पड़ेगा, धीरे धीरे वो खत्म कर देता है। अभी 15 साल पहले हमें 8 लाख कर्मचारी थे, 8 लाख, अभी कितना 3 लाख बचे, 2.5 लाख ये पेंशनर है, कितना कम कर दिया, नई भर्ती नई जॉब तो खुलती नहीं है, खुलती है तो बोले नहीं, आज भी 7 आदमी की जगह एक आदमी बेचारा काम करता है, और उसके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि कोई वो जहर भी लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसको टॉर्चर किया जाता है, आप ये नहीं करोगे तो आपको उस स्टेट में भेज देंगे, दूसरे राज्य में भेज देंगे, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, इसलिए वो बेचारा क्या करेगा, मजबूर किया, मजबूर किया ही है। देखो इसकी उम्र है, कहाँ से आए आप? गुजरात से। हम तो पूरे मोदी जी भी गुजरात के ही हैं, गुजरात के लोगों को खूब बढ़ावा देते हैं। कुछ नहीं, कुछ बढ़ावा नहीं दिया, कुछ बढ़ावा नहीं दिया, आज भी है ना, अब पूरा इंडिया जानता है कि 1200 रुपया का सिलेंडर है, 1200 रुपया, और ये इलेक्ट्रिक बिल 4 से 5 हजार रुपया आता है, और खाद्य तेल देखो ये महंगाई कितनी कितनी गैस का बोला कितनी बढ़ गई है, बेचारे ये 25-30 हजार में क्या करेगा, उसके बच्चों को पढ़ेगा, उसके बच्चे की शादी करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, वो बचा दिया। कह रहे हैं कि महंगाई पूरे देश में पूरे दुनिया में, नहीं नहीं को गलत बात है, आप कहीं दूसरे स्टेट में सिटी में चले जाओ, जाओ जापान जाओ, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ सीनियर सिटीजन जो पेंशन नहीं होते उसको भी कितनी फैसिलिटी मिलती है, गवर्नमेंट देती है, और पेंशन नहीं होता फिर भी, और यहाँ तो पेंशन को निकाल देना चाहते हैं पूरी दुनिया से, यहाँ से उठा के भेज दिया ऊपर। तो आपने आम जनता की आवाज़ सुनी, ये जो है BSNL के सरकारी कर्मचारी हैं और अपने हक अधिकार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तोहित के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।